परीक्षित की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के उपलक्ष करके भक्ति के बारे में बता रहे, संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व के बारे में बता रहे जी। ब्रजवासी जन के हृदय में किस प्रकार स्वाभाविक रूप में पंचन्यास कृष्ण के प्रति अनुराग है, ये वर्णन करते जा रहे हैं। राधापुर का भक्ति मुखा ब्रजवासी जन है, कहा गुरुग का भक्ति राधानुगा जो ब्रजवासी जन है, जो ब्रज में रहने वाले हैं, उन लोग के हृदय में स्वाभाविक रूप में सतस्फूर्त स्पॉन्टेनियसली कृष्ण के प्रति एक प्रकार अनुराग रहता है। ऐसे ब्रजवासी के अनुगत में भजन करने के लिए यहाँ पर महाप्रभु निर्देश दे रहे, आदेश दे रहे हैं। इस कथा को हम कई दिन से ही आलोचना कर रहे हैं, इसलिए साधक कैसे भजन करें इसके दो प्रकार की बातें आ रही, दो प्रकार की अनुशीलन बता रहे हैं। एक बाहर और एक अंतर, बाह्य अंतर या द्वित साधन, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन। बाह्य शरीर में, इस शरीर के द्वारा हम जो भजन कर रहे हैं नियम के अनुसार साधक देह में श्रवण कीर्तन आदि करें। ये भक्ति के जो 64 प्रकार जो अंग जो है उसका हम साधक शरीर में पालन करते रहे, गुरु पदाश्रय से लेकर के आदि गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम भेनु गुरु सेवा ये सब लिखा है। 64 प्रकार की भक्ति के अंग पालन करें और संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार आदि विचित्र राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा अनंदन सम्मोहितो
वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री गोपाल। जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग संखापक नाम गान नती नित्य प्रत नियमित करके नियम रख के संखापक नाम करते थे। कितना नाम करते थे? कम से कम 64 माला करते थे, 64 राम, कम से कम माला संखापक। गान काम क्या है? कृष्ण की महिमा सूचक जो कीर्तन, जैसे कहते हैं कृष्ण दे भगवंतन वंदे, कृष्ण दे भगवंतन वंदे, मन मानस मधुकर अमर पाय निज पद पंकज मकरंदे, कृष्ण दे भगवंतन वंदे। इसे गान का संघापक नाम गान, नती भी, नती भी माने प्रणाम, दंडवत प्रणाम है। नित्य प्रत्यह है, कम से कम 108 बार दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत। वृंदावन जगन्नाथपुरी और मथुरा नवद्वीप धाम, ऐसे धाम और धाम के परिकरों के नाम लेकर के प्रणाम करते मुझे कहते हैं नती। ये संखापक नाम गण नती काल अवसान कृत। और कैसे भजन आदि करते थे? विप्रगृह पूर्विक का कहा मधुपुरी, ब्राह्मण के घर में जाकर के थोड़ा भिक्षा करते थे और समस्त प्रकार की जो है अभिमान को त्याग देते थे। देखो वृत की भजन की यही पद्धति का है। जैसे कभी कभी हम वर्णन करते हैं, आप वृंदावन में जाओगे है, एक मंदिर है लाला बाबू के मंदिर का है, ये लाला बाबू बंगाल के बड़े सेठ थे है। और लाला बाबू के घर के पास ही जो है और एक सेठ था, उसके नाम जगत सेठ कहा जाता है। क्या नाम? जगत सेठ। उस समय जमींदारी प्रथा भी था है, आज से बहुत साल की बात है, जमींदारी प्रथा है, हजारों बीघा की जमीन रहती है, उसे जमींदार कहा गया है। ये दोनों जो है सेठ, जगत सेठ और क्या नाम बताया, लाला दोनों जमींदार। एक दिन लाला बाबू क्या कर रहे थे, एक गांव से कहीं दूसरे गांव जा रहे थे जमींदार की टैक्स अदायगी करने के लिए। चलते चलते बीच में एक नदी आ गई, नदी पार करना था। नदी जब पार कर गए, उस समय शाम हो गया है। और उस समय शाम के समय एक व्यक्ति जो वो बेचते ना समोसा बेचते ना है, बंगला की बोले सिंगड़ा समोसा बेचने का, वो देखो वो कह रहे थे बेला बोलो संदे करो, बेला बोलो संदे करो, माने दिन छिप रहे रात आने वाले है, ये कोई लेने वाला है तो ले लो, दो चार हमारे पास समोसा रह गया अली, क्योंकि वो समोसा बेचने वाले उनको भी है नाव पार करना था और शाम हो जाए फिर नाव वाले क्या कर देंगे, बंद हो जाए है। इसलिए वो कह रहे हैं संदे हो लो ना, बेला कह लो संदे हो लो है। ये शब्द देखो, इतने शब्द सुनते ही लाला बाबू के हृदय परिवर्तन हो गए। लाला बाबू मन में विचार करने लगे, मैं तो वृद्ध हो गया, वास्तविक सत्ता है, वृद्ध काल आ गया, सब सुख भाग गया, पीड़ा बसे कई नुका पर है। मेरा गुरुदेव के धनी अभी तो कान में घुसते रहता है। 2010 में गुरुदेव जब गोवर्धन है कार्तिक है, 2010 अभी
कार्तिक की कथा है, 2010 कार्तिक की जो है गुरुदेव की जो जब थे ना, तो गुरुदेव उस दिन जो है एक दिन हम गुरुदेव के पास बैठे, तो गुरुदेव अकस्मात वही कथा ही बोल रहे थे। हम कहते गुरुदेव आप कैसे हो, है ऐसे उस समय बैजनाथ थे और जो ये कोई था, मैंने पूछा गुरुदेव आप कैसे हो, तो गुरुदेव कह रहे देखो वृद्ध काल आ गलो सब सुख भाग गलो पीड़ा बसे होइनु कातर, है वृद्ध काल आ गलो सब सुख भाग गलो पीड़ा बसे होइनु कातर, मेरा याद है एकदम गुरुदेव के कथा पर, है वृद्ध काल तो है और वृद्ध काल आने से क्या होता है, अनेकों जो है रोग बीमारी तो आई शरीर में कष्ट पीड़ा बसे रही था। चलो हम तो इसी गुरुदेव की कथा स्मरण कर रहे, अभी वो लाला बाबू के मन में ये भावना आ गया ये वास्तविक सत्य है, बेला बोल बेला गैलो संदेह, अर्थात हमारी जीवन बेला जो है धन्यवाद थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, बेला हलो संदेह बेला गैलो बेला गैलो माने दिन छिप रहे संध्या आ रहे बेला गैलो संदेह हलो, इस कथा को सुनते ही देखो लाला बाबू ने क्या की, है मनी मन सोचने के वास्तविक सत्य है हमारी जीवन तो हमारी समाप्त होने वाली, वृद्ध तो हो गया है 60-70 जब हो जाते हैं तो अब उसके समझना चाहिए घंटी तो बजने वाला है, घंटी बजते हैं ना देखो यहाँ पर जब बाल सफेद हो जाते हैं ना एक घंटी दे देते हैं ट्रेन में, स्टेशन में ट्रेन आने के पहले पहले घंटी बजाती है ना डिक 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 डिक, है 5-7 मिनट में कि 10 मिनट में ट्रेन आने वाला है, देखा आपने पहले पहले जो है घंटी बजा दी थी, है मैंने ट्रेन आने वाला है, तैयार हो जाओ अपने अपने प्लेटफॉर्म में आप रेडी हो जाओ, ठीक उसी प्रकार देखो हम लोग के बाल सफेद जो होता है ना, बाल सफेद कहाँ पर शुरू होता है, ठीक बिल्कुल एक कान के पास मेरा तो पूरा सफेद हो गया ना, जब बाल जब सफेद होना शुरू होता है देखना आप अभी आपकी उम्र कितनी है भैया, वो कान में तुम्हारी वो देते हैं सिग्नल देते हैं भैया, अभी देखो ये हंसी बात है जब आपके बाल सफेद हो ना यहीं से बिल्कुल यहीं पर शुरू यहाँ से शुरू होते आगे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा सुनो तो लाला बाबू सोच रहे मेरा तो जीवन तर हो गया है 70 तो हो ही गया 60-70 तो हो गया तो जीवन की मेरा घंटी बज गई है, वही उनके मन में केवल बार बार आने लगे क्या बोला बेला गैलो, देखो लाला बाबू ने किया कि उसी समय छोड़ देकर वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आकर के किसी वैष्णव से उन्होंने दीक्षा मंत्रा भी दिया, भजन करते थे लाला बाबू ने, आप जी जाओ वृंदावन में लाला बाबू के मंदिर आपको दर्शन होगा, 5-7 साल भजन करने लगे है और गुरु सेवा भी करते थे, जमींदार होते हुए पर भी सब ईमान तय करके गुरुदेव ने बोले जाओ ब्रजवासी के घर से जो है भिक्षा करके ले आओ, जैसे आप राजस्व में जाते हो ना है उसी प्रकार लाला बाबू घर घर में जाकर भिक्षा लेकर के आते, इतने बड़े जमींदार होते हुए सब ईमान तय अभिमान उन पर प्राकृत बोला है,
भिक्षा करके लाते थे, गुरुदेव सेवा गुरु सेवा आदि करते थे। कुछ समय के बाद, दो चार साल बीतने के बाद, लाला बाबू अपने गुरुदेव के बोले, गुरुदेव मैं तो भिक्षा करता हूँ किंतु अभी मैं नाम करता हूँ जो आप बोलते करता रहता हूँ, किंतु अभी मेरे हृदय में कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, प्रेम नहीं होता हो रहा, क्यों? गुरुदेव ने कहा, तुम भिक्षा में जाते हो ना? हाँ जी। सब घर में जाते हो? सब घर में जाते हो ना? कुछ घर में जाते हो, कुछ घर में नहीं जाते हो? तब लाला वो कहने लगे, मैं सब घर में जाता हूँ, एक घर में नहीं जाता। देखो, वो जो अपने जो घर बंगाल में था ना, वहीं पर जो मैंने कहा दो वो था लाला बाबू, और कौन था? ये जगत सेठ। जगत सेठ भी वृंदावन में आकर के अपने एक मकान बनाया और वहीं पर है, किंतु इतने दिन वृंदावन में रहे लाला बाबू, जगत सेठ के घर में कोई भिक्षा के लिए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, दोनों जमींदार जो है थे उस समय है, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जैसे शेर शेर के साथ लड़ते हैं, तो वही आपकी भावना है, इसलिए वो कभी जगत सेठ के घर में जाते नहीं थे, भिक्षा ले लिया। गुरुदेव ने कहा, लाला बाबू तुम सबके घर में जाते हो, जगत सेठ में घर घर के क्यों नहीं जाते हो, बताओ। तब उन्हें सारे बताया, जब मैं पूर्वाश्रम में घर में थे तो जगत सेठ के साथ हमारे कोई झगड़ा होता था जिम्मेदारी लेकर, इसलिए मैं नहीं जाता। गुरुदेव ने कहा, ये देखो, जब भिक्षाश्रम कोई लेते हैं, भिक्षाश्रम समझते हो, सन्नास कहे बाबा जी ने जैसे बताए, इसमें भेद नहीं रहना चाहिए। पूर्व इतिहास भूली नहीं सकल सेवा सुख पे मने, तुम्ही तो अमार अमी तो तुम्हार की काज अपर धने। भक्तिमान ठाकुर कह रहे हैं, भले आत्मसमन के यदि पूर्व इतिहास आपकी याद करते रहो तो भजन कहाँ होगा? देहाभिमान को छेद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए पूर्व इतिहास भूली नहीं सकल सेवा सुख पे मने, तुम्ही तो अमार अमी तो तुम्हार की काज अपर धने। एक पूर्व इतिहास तो याद करना नहीं चाहिए और उसके याद दिलाना भी नहीं चाहिए, एक होता है उसमें अपराध बन जाता है, क्योंकि वैष्णव में एक एक प्रकार जो है निंदा कहीं हो जाता है। इसमें विचार भक्ति चंद्र प्रभुपाद के विचार को पढ़ो, ये कहते पूर्व इतिहास भूले नहीं तब तो तुम्हारी पूर्व इतिहास गृहस्थ आश्रम में जो थे वो अभी तो भूले ही नहीं है। देहात को युवा मैं जमींदार हूँ। गुरुदेव ने कहा, लाला बाबू अभी तुम्हारे क्या अभिमान है? ऊपर से तो वेश लिया, किंतु भिक्षाश्रम तो लिया उनके गुरुदेव ने उनके समझा, तुम भिक्षाश्रम के लिए भिक्षा क्यों समझते हो, किंतु तुम्हारे पूर्व इतिहास तुमने नहीं, अर्थात पूर्व इतिहास के देहात को जब तक हम देहात अभिमान संबंध अभिमान को जब नहीं बोले तो मन कहाँ से लगे? मन तो एक में ही लगेगा, कृष्ण में लगाओ, नहीं तो कहीं जगह लगाओ। गोपियां तो वही कह रहे, उद्धव मतलब एक ही मन था, मन तो दो दस बीस नहीं है कि नहीं, बताओ, जानते कि नहीं बताओ? हाँ, जो एक ही मन था वो तो कृष्ण के साथ चले। यदि हमारी पूर्व इतिहास यदि हम स्मरण करते रहे तो भगवान के साथ संबंध नहीं होता। इसलिए कार्य भक्तों टाइम क्या करें, पूर्व इतिहास भूली नहीं सकल सेवा सुख पे मने, यदि हृदय में यदि सेवा सुख प्राप्ति करना है पूर्व इतिहास को त्याग देना चाहिए, और पूर्व सेवा सुख यदि आप हृदय में आ जाए भगवान की सेवा सुख, पूर्व इतिहास से मरण ही नहीं होगा। भक्तिमान ठाकुर कीर्तन को पढ़ो, पूर्व इतिहास भूली नु सकल सेवा सुख पे मने, तुम्ही तो अमान अमी तो तुम्हारे की काज अपर धने। हमारा गुरु जी ने तो बुला रहे हैं, तो आज है
इसलिए कहते हैं पूर्व इतिहास भूल ही नहीं सकल सेवा सुख, जब सेवा सुख किसकी प्राप्ति हो जाए है तो अपने आप जाएगा। जब तक सेवा सुख नहीं आ रहे, सेवा सुख के जब तक आनंद अनुभव नहीं हो रहे हैं तो आप जो बोल रहे ठीक बोल रहे हैं, ये इतना सहज नहीं। क्यों? सेवा सुख यदि आनंद रहा है वो तो उसको भूल जाओ। जिसका सेवा सुख पे मन है, मैं नहीं करूँ बच्चों ठाकुर कमल मंदिर क्या करें, क्या करें पूर्व इतिहास भूल नहीं सकल सेवा सुख पे मने तुम्हें तो अमार अंत तुम्हार की का कर दें। इसलिए कहते हैं सेवा जब करते जब भगवान की सेवा करो पूर्व शब्द की सेवा करो तो पूर्व इतिहास अपने भूल जाओ है। आ नहीं वही चर्चा करते रहो तुम्हारे घर में पूर्व इतिहास ये तुम्हारे घर था वे तुम्हारे मनता ये घर तो ये ही है गोविंद के घर है गुरुदेव के घर में आई है। देखो एक संसार में गए हम दिल्ली महाराज कहते थे एक लड़की जब विवाह करके आती है ना पहले अपने पिता पिहर की कथा याद रखो है, फिर अपने ससुराल में जब रहने लगे कुछ समय तो पिहर की भी बहुत उसकी याद होती है, अकेला बेटी रोती रहती है। देखो आपके बहन की कुछ यदि आपकी कोई नई शादी हुई वो रोएगी जाए कम से कम एक दो साल जो है उसमें मन लगाना बहुत कठिन होता है। फिर कुछ समय के जब बाल बच्चा हो जाता है पढ़ाई करते हैं ये करते हो जाता है वो देखो कहने पर भी अपने पिहर के जा नहीं पाई, कहते हैं पिताजी कहते हैं बेटी हमारे घर में आ जाओ, कह दिया अभी हमारे बेटा के अभी इन क्या बोलते हैं एग्जाम है ये है वो है कहीं कहीं बोले है उसके पास समय नहीं। ये संसार की ये ऐसी होता है। और जब गुरु सेवा आदि करते हैं गुरु सेवा भगवान में यदि मन लग जाए तो कहाँ स्मृति रहेगा है। हम लोग के इसमें मन नहीं लगता है इसलिए उसको चर्चा करते रहते हैं। इसलिए कहते नहीं पूर्व इतिहास भूल ही नहीं सकल सेवा सुख पे सेवा सुख किसके जी प्राप्ति हो जाए अनुभव हो तो अपने आप पूर्व इतिहास भूल जाएंगे। इसलिए कहते टीका जब तुम्हें तो हमार अमित तो तुम्हारी टीका जब कर धनी ब्रज की तो वही भावना है। इसलिए उनके गुरु कौन लाला बाबू के गुरु उनके शब्द है अभी तो तुम्हारी अभिमान है मैं जमींदार हूं और ये जगत सेठ ये हमारे क्या थे प्रतिद्वंदी थे रायगल थे। इसलिए भगवान कहां तुम्हें दर्शन देंगे क्योंकि जब तक वो इतिहास को नहीं भूल नहीं जाए और अभिमान को तक नहीं दे तब भगवान कैसे कृपा करेगा। देखो उस समय लाला बाबू ने किया कि सब कुछ गुरु के चरणों अर्पण करके ये पहले दिन कहाँ गए उस दिन कहाँ गए जगत सेठ के घर में गए और जगत सेठ अपने गृह के ऊपर अट्टालिका पर ऊपर जो है बैठे हुए थे। आज देखा वैष्णव को देखा है और देखो जगत सेठ नीचे उतर करके आ है लाला बाबू जब उसके घर में बेल बजाया जगत सेठ संग आए और लाला बाबू देख करके बास रोने शुरू कर कहने लगी लाल जगत सेठ मैं अपराध मुझे क्षमा कर ऐसे करके बार बार जगत सेठ के चरण पकड़ के जब रोने लगे जगत सेठ कहने लगी लाला बाबू मैं तो अपराध हूँ मैं तुम हर रोज मैं तुमको देखता रहता हूँ तुम तो भिक्षाश्रम दिया भिक्षाश्रम दिया कहते हैं क्यों मैं भी सोचता था क्या लाला बाबू हमारे घर में कभी भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे किंतु तुमने आज मेरे घर में आए हे लाला बाबू और जगत से दोनों एक दूसरे के साथ आलिंगन करने लगे और उनके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। फिर वही लाला बाबू जो है वहाँ जो मंदिर बनाया आज तक उसके नाम लाला बाबू के नाम से मंदिर में प्रसिद्ध है और फिर उनके स्वयं भगवान ने उनके दर्शन किया था ये सब कथा बहुत वर्णन है। बड़े ब्रज के रहने के ही हमारे फायदा है वृंदावन में रहे मथुरा में रहे ब्रज में रहे क्योंकि ब्रज की भावना को हमारे ध्यान करना चाहिए। इसलिए कहते हैं पिछले कहते हैं पूर्व इतिहास का हम भूल कैसे हुआ
क्योंकि जब सेवा सुख प्राप्ति हो जाता है चिंतन करते नहीं है, हम तो चिंतन नहीं करते, ये लोग कभी कभी क्या क्या करते हैं, चिंतन करा देते, और तो मैं कहते मैं चिंतन भी करता नहीं है, ये कहते रहते हैं, कहते नहीं भावना को ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं ना साधक देह। अभी हमें कथा प्रसंग में जा रहे हैं, ये ब्रज भजन की जो यहाँ पर कर रहे हैं द्विविध अनुशीलन कर रहे हैं, एक है बाह्य अंतर यह द्वित साधन, बाह्य साधक देह कर ही श्रवण कीर्तन, साधक देह में भक्ति के जो अंग जो है वो अनुशीलन करें, श्रवण कीर्तन आदि अनुशीलन आदि करें है, जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग है किस प्रकार ब्रज में रह करके साधक देह में श्रवण कीर्तन आदि करते, एक दूसरे के साथ जब मिलते थे विषय कथा परिहरी मुखे बोलो हरि हरि है, परचर्चा परनिंदा विषय कथा छोड़ करके एकमात्र कृष्ण कथा में डूब जाता, जैसे रूप सनातन टेर कदम में जब मिलते थे सनातन गोस्वामी पाद पावन सरोवर पर रहते थे और रूप गोस्वामी पाद टेर कदम पर रहते, दोनों भाई जब बीच बीच में आते थे, देखो भागवत के एक श्लोक लेकर के कैसे सुंदर सुंदर विचार करते थे, विचार में जो गुरुदेव उस समय कहते थे देखो तुम लोग ब्रह्मचारी है कुछ भागवत आदि आलोचना करो अपने आप करो, जहां पर तुम लोग के समझ में नहीं आएगा मेरे पास आना, मेरे याद होता है ग्रंथ आदि आना, क्योंकि समय नष्ट करके फायदा कुछ नहीं, फायदा क्या होगा है, इसलिए यहीं पर करें रूप सनातन के मैंने ये कहा, देखो रूप गोस्वामी पाद ये भागवत के जो है प्रथम से श्लोक के लेकर के रूप गोस्वामी पाद एक सुंदर विचार देते थे हैं, जन्मादश्च जतानादि तत्तच्च विद्यसरण ये श्लोक के रूप गोस्वामी पाद सुंदर अभिनव व्याख्या करते थे, और उस कथा को सुन करके सनातन गोस्वामी पाद प्रेम में डूब जाते थे, फिर सनातन गोस्वामी पाद दूसरे की व्याख्या देते थे, एक ही श्लोक कितने श्लोक की माधुर्य पर व्याख्या करते हैं, जिस कथा को सुनने के लिए संग राधा जी एक साधारण ब्रज बालिका के रूप में आए बहाना बना करके, ये बाबा बाबा मेरे माँ जो है ये दूध और चावल दे है अपने खीर बनाने, वो लोग ध्यान नहीं दिया, देखो स्वयं राधा जी खीर बनाने के लिए उसे थोड़ी निकट बैठ गए, दूध बना के क्या बोले खीर बना रही है, खीर थोड़ी बनाने हैं उनको, वो तो यही कथा सुनना है और इधर जो है खीर बना रही दिखा रही है, मेरे कहे कि यह तक हम इसके उदाहरण दिया रहे हैं, देखो गोस्वामी वर्ग की ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भावना है, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से मिले है ये हमें बताओ है, जैसे अभी भी राम नीचे गए रामानंद प्रभु हमें तो सुना बोलने लगे, अच्छा सुना ये कथा क्या है, मैं सोचा बोले सोचा आज एकादशी है थोड़ा हरिनाम कर लेता हूँ नीचे बैठ करके है, और नीचे बैठ गया एक घंटा कैसे मेरे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला है, प्रश्न पूछने लगे कहीं हंसदूत कहाँ विदग्ध माधव ललित माधव की कथा पूछते पूछने लगे और मैं वो बोलने की शुरू कर दिया, मेरे एक भी माला मैंने दाना भी खिंचाई, अभी कथा के बाद मुझे माला करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एकादशी आ गई एकादशी होगा नहीं माला करना पड़ेगा है, कोई भी बात नहीं, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं वैष्णव के साथ मिलो तो प्रश्न करो है, आशय इसलिए कहते हैं सजातीय आशय सिंधु सतो बने समान भावना विशिष्ट है, भक्त के साथ मिलो और ऐसे ब्रज की कथा जो है वर्णन करो, तब ब्रज में रह करके फायदा है, और नहीं तो ब्रज में रहते कुकर सुकर कितना रहते रहते हैं उसमें हमें चले, हम अपने लिए कर ये भावना इसलिए करें, गोस्वामी वर्ग से कहते हैं बाह्य अंतर यह द्वित साधन, बाह्य साधक देह करी श्रवण कीर्तन है, और अंतर देह में क्या कहते हैं मने मने सिद्ध दया परिया भवन रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण रसेवन,
है, ऐसे जो है ब्रजवासी रूप है रूप सनातन की भजन पद्धति हमारी है। मन मन अपने सभीष्ट लालसामयी है भावना रखते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रजलोक अनुसारतः है। कृष्ण स्मरण जनन चश्य पृष्ठ निज समीत निज जन समीत तत्व कथा रत च असु कुर्जात वास तजी सदा है। हमारे रूप से बात कितने सुंदर सुंदर रूप में वर्णन करती जा रही है, इसलिए भावना उसी प्रकट होना चाहिए। हम ब्रज में कैसे रहकर भजन करें, असौभाग्य की बात है, लॉकडाउन तो हो गया है, किंतु देखो वैष्णव के पास बैठ करके अनेकों जो है सिद्धांत की सुनने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्ति हो रहा है, है? एक एक भक्त जहाँ नासिक महाराज है, देखो वो ढूंढता रहता है, मैंने कहा था ये कहाँ पूछ रहे थे, वो ढूंढता रहता है, फिर सुनाते रहते हैं। मैं कभी कभी उनके कमरे में बैठ जाता हूँ है, और बस है, और मेरा स्वभाव थोड़ा गाली देना है, मीठा मीठा गाली भी देता हूँ, क्यों भाई गाली देने में आनंद होता है, गुरु भाई है ना, इसलिए उनको मैं कभी कहता हूँ है, कभी कभी गाली भी दे देता हूँ अपने गुरु भाई समझकर, है हाँ समझिए। फिर कभी हमारे कमरे में वो आ जाता है, फिर दोनों चर्चा होते रहते है। मैं यही कह रहा हूँ जी, देखो ये लॉकडाउन होने के ये हमें फायदा उठा रहे, नहीं तो हम भी कहाँ चले जाते, वो भी कहाँ चले जाते, कहाँ है। आज हम भी देखते हैं हमारे गुरु भाई के साथ हमारे साथ मिलन होता है, साल में जो है दो बार होता है, एक महीने कार्तिक में होता है और एक पाँच दिन कहाँ होता है नवद्वीप में, वो भी अपने अपने व्यस्त रहता है, बस चल फिर अपने अपने सब चले जाते अपने है, होता ही कि नहीं होता, मैं सरल भाषा में बोल रहा है, किंतु ये देखो अभी हमें कुछ तो लाभ हो रहा है, गुरु भाई के साथ मिल करके महाराज भी बहुत सुंदर सुंदर कथा सुना रहे हैं, मिठास भी आ रही, अच्छा लग रहा है, कान में कर्ण रसायन भी हो रहा है, हित कर्ण रसायन कथा अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें सुनने में हमें समय मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर करें जी, देखो सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र ही, साधक रूप और सिद्ध रूप में भावना होना चाहिए है, क्योंकि यही है ब्रज रागानुगा भजन पद्धति का। यदि इस कथा को हम श्रवण नहीं करें लोग कैसे चलेगा, जितने हमारे श्रवण होगा उतना ही हमारे हृदय में लोगों में भक्ति का है। गुरुदेव ये कथा सुनाते, देखो लोग एक सतसिद्ध माना जाता है, जिससे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी रागवर्तम चंद्रिका में कहते हैं, अच्छा बताओ लोभ के कारण क्या है, कहते हैं लोभ लोभोत्पत्ति कारण, सीधी बात कह दी, लोभ ही लोभ के कारण है, कोई कारण नहीं, तथापि युक्तिवादी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, है? युक्तिवादी लोग जो है लॉजिस्टिक पीपल जो है वो बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, युक्तिवादी लोग इसके सुनने के लिए तैयार नहीं है, बोले नहीं और कुछ बताओ, बोले कार्य छोड़कर कारण नहीं है, कार्य छोड़ के कारण नहीं होता है, बारिश क्यों हुई है, गर्म है, यदि दो चार दिन कड़ी धूप हो तो समझना चाहिए ये बारिश शीघ्र होने वाला, ये कार्य कारण एक साथ में रहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी जो कहा जाता है, कार्य कारण तो ये क्या है, युक्तिवादी के कारण, किंतु देखो भक्ति ऐसी वस्तु है तर्क के द्वारा स्थापित नहीं होगा, नौतांश तर्केनो यज्यते, तर्क के द्वारा नहीं, अपराधित वस्तु चित वस्तु जो है, किंतु तथापि तार्किक लोग जब कहते हैं तब विश्वनाथ चक्रवर्ती फिर उसके कहते जा रहे हैं लोग कैसे उत्पन्न हुआ, लोग के बारे में फिर कहते जा रहे हैं, भगवत कृपा और भक्त कृपा कृपा सत्य, किंतु रागानुगा भक्ति के जो है वो क्या है, कृपा सत्य, हजार साधन भजन करके वो प्राप्ति नहीं होगा, इसलिए रागानुगा भक्ति के एक भक्ति कहा जाता है कि रुचि वाला भक्ति भी कहा जाता है,
इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कर रुचि वाला भक्ति रगन का भक्ति है। किसी के रुचि हो जाना है भगवत कथा में, भगवत नाम में रुचि हो जाना, ये कोई साधारण बात नहीं। विशक श्रेणो कथा से जो नोत्पादी यदि रुचि श्रम एव ही केवलम, यदि विशक श्रेण भगवान की कथा में रुचि नहीं हुआ, अनेकों का अच्छा कर्म कर लिया, सत्कर्म कर लिया, वो क्या है, सब बेकार काम होता है। कहते हैं चारी वर्णाश्रम यदि ना क्या बोले रुचि कथा है कृष्ण कथा है रुचि ना होइले पंड सही श्रम है गोलियो पत्रिका में लिखा रहता है। यदि कृष्ण कथा में हमारी रुचि नहीं हो तो पंड सही श्रम बेकार समझा है। रुचि हो जाना ये कोई साधारण बात है। रुचिकत्व रोचकत्व प्रति पग पग में आनंद की अनुभूति ही रुचि का है, आनंद होता है। जैसे प्रबल भूख लगने पर प्रति भजन की जो हम लेते हैं उस पर एक आनंद अनुभव होता है, है कितना मिठास है, और बस आंख बंद करके जैसे भजन करता है, है? धर्म तो ये कहते जा रहे हैं रुचि में बढ़ जाए। रुचि होना इतने सहज नहीं, इसलिए रागानुगा भक्ति के एक नाम भी कहा जाता है क्या, रुचि मुला भक्ति कहा जाता है। इतने सहज नहीं है, नाम में रुचि हो जाए, एक घंटा हरि नाम करके बैठो देखो कितना होता है, समय लगता है। पांच घंटा आप काम कर सकते हैं, दो घंटा आप आलू छील कर छील सकते हैं, दो घंटा आप और दूसरी काम कर सकते हैं, है? है? एक घंटा बैठकर हरि नाम हरि कथा सुनना वो भी बहुत कठिन होता है, है? एक घंटा हरि नाम करना वो भी कठिन होता है, है? रुचि हो जाना एक कोई समस्या है। इसलिए कहते हैं ये रुचि मिला, इसलिए कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ब्रज भक्ति जो है ये रुचि मिला भक्ति कहा जाता है। ये रुचि कैसे होती है, मैंने भगवत ये कहते हैं क्या, भगवत कृपा सापेक्षता है। जदवत कृपा नहीं हो, नहीं हो सकता है। इसे दो प्रकार की कृपा कहा जा रहा है, एक भगवत प्रसाद जो कृपा और एक भक्त प्रसाद जो कृपा। किंतु भक्त भगवत प्रसाद जो कृपा समझ में आ रहे, भगवान की कृपा ये कथनचित कहते हैं, किसी के ऊपर हो जाए कोई बात नहीं, किंतु भक्त प्रसाद जो कृपा उपाधि प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भगवान किसी के ऊपर करें ना करें वो स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है, किंतु भक्त कृपा जो है वो अवेलेबल है। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं भक्त अहम भक्ता पराधीन, इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान की कृपा जो है भक्त कृपा के अनुगामी, अब भगवत क्या बोले भक्त भगवत कृपा भक्त कृपा जो है भगवत कृपा के अनुगामी, ये दोनों एक साथ के साथ मानो कपड़े के तंतु के भांति, तंतु समझते हो, कपड़े की जो धागा जो है, कपड़े जो एक एक ये होता है ना, इसके देखो एक थ्रेड इस तरफ जाता है और एक थ्रेड इस तरफ आता है, कपड़ा बुना कभी नहीं, इसको ताना बाना बोलते हैं, ताना बाना, अच्छा ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कृपा रहता है। भगवत कृपा पहले है कि भक्त कृपा बाद में है कि आगे पीछे है, ये आप निर्णय नहीं दे सकते, किसके कृपा कैसे है नहीं हो कभी भी। इसमें उसके कहते हैं यथा वस्त्र क्या मैं भूल गया, तंतुवाय शब्द लिखा है, मैं जैसे भूत शब्द उसमें लिखा, संस्कृत शब्द है, जैसे जो कपड़ा जो बुनते हैं एक धागा इस तरफ जाता है एक तरफ ये जाता है, है ऐसे वो होता है ना, ऐसे करते हैं, तो उसी प्रकार कहा जाता है भक्त कृपा भगवत कृपा की अनुगामी नहीं, और भगवत कृपा भक्त कृपा के अनुगामी, दोनों एक साथ में मानो ओत प्रोत में लगे हुए हैं। कृष्ण यदि कृपा करें कोनो भगवान गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाया, तो यही बोलते कृष्ण कृपा आगे पहले है कि भगवत कृपा भक्त कृपा आगे, पहले कौन से कृपा ये निर्णय नहीं दे सकते। तथापि हम कहते हैं
भक्त कृपा स्वतंत्र से क्षमा पुरुष भगवान इसके ऊपर कृपा करें ना करें, किंतु कृपा मिले न संत। हाँ आज राम कृपा बिनु नहीं मिले संत, राम कृपा है आज इसे चलो यहीं पर भी कहते जाए है जी निजाभिष्ठ रज की जो ये कृपा आपके ऊपर कैसे हम समझे कि आपके लोभ कैसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए लोभ उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ इसके लिए भी है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती की बात भी कह रहे हैं। लोभ के लोभ जो है लोभ के लक्षण क्या है, कोई कह दिया हमारे लोभ हो गया कहने से नहीं होता, उसके तीन नियम बता रहे हैं। श्रवणादि कीर्तन 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 आदि नाम वैधि भक्ति उद्दिष्टम, वैधि भक्ति में श्रवण कीर्तन आदि जो है साधक देह में वो जरूर पालन करेगा, ये उसके मूल पदार्थ रहे लेकर ये सब ये सब है ये सब है। श्रवण कीर्तन आदि का स्वरूप लक्षण श्रवण कीर्तन आदि राइट गुरु पदाश्रय लेकर के दीक्षा आदि भक्ति के एक विषय। दूसरी क्या बताया था ब्रजभाष, जरूर उसके ब्रज की बास की बास शरीर के द्वारा यदि ब्रज में बास नहीं हो वही अवश्य हो मन के द्वारा ब्रज में बास करे। तीसरी जो है अपने सिद्ध देह के अनुभव करके राधा गोविंद की सेवा करे अष्टकामी लीला आदि स्मरण करें, वो यद्यपि ये तीसरी जो है उन्नत स्टेज में जब चले जाते हैं लीला स्मरण आदि सब जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग है रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी वर्ग है साधक देह में संग्रह पूर्वक नाम गान उन्नति भी करती जा जैसे मैंने बताया, और अपने सिद्ध देह में भावना रखते हुए है एक एक भावना भजन करते जा रहे हैं। और देखो अपने भावना के अनुसार भी ग्रंथ भी लिखते थे है बताया में बैठ करके स्मरण मरण भक्ति भी कहते हैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका में रागानुग भक्ति कहते हैं ये स्मरणाक्ष भक्ति स्मरण है स्मरण बिना कैसे हो ये सर्वश्रेष्ठ व्याख्या में कहती जाए प्रेम भक्ति चंद्रिका में है उपलब्धि सब भजन करते करते साधक अपने भाव की जो है अनुभव करते रहे कहते हैं महाप्रभु शंका है मने मने सिद्ध देह करिया भवन रात्रि दिने राधा कृष्ण कर सुवन है ये उन्नत स्टेज है सब साधक के लिए नहीं कहा है मने मने सिद्ध देह करिया भवन रात्रि दिने राधा कृष्ण कर सेवन मन ही मन जो है वो समस्त चिंतन आदि करें है इसके भी प्रोसीजर कुछ है नियमावली है वो कौन स्टेज में चले जाता है श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ नृति निष्ठा रुचि आसक्ति और आसक्ति के बाद जब भाव दशा में पहुँचते हैं साधक अपने सिद्ध स्वरूप की कुछ परिचय प्राप्त कर लेते हैं और परिचय प्राप्त करके गुरुदेव के निर्देश के अनुसार आदेश के अनुसार वो भावना रखते हैं जैसे विजय कुमार और ब्रजनाथ जय गोधर में दिखाए जय गुरुदेव ने उनका कहा बाबा जी महाराज कहने लगे देखो ब्रजनाथ तुम्हारी ये है शक्कर रसका है क्यों उन्होंने कहा भाव परीक्षा भी लेते हैं उसमें जयवधर में लिख रहे बाबा जी महाराज ने पूछा बताओ तुम जब भागवत पढ़ते हो तुम्हारी क्या भावना आता है तब ब्रजनाथ ने कहा जे मैं जब भागवत में अध्ययन करता हूँ मेरे हृदय में ये भावना आ जाता है जिस सुबह के अनुगत्य में कृष्ण के साथ गोचारण आदि करता तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी शक्कर ब्रजनाथ को और क्या नाम है विजय कुमार की कहा ये तुम्हारे क्या भावना होता है बताओ तुम तो क्या भागवत अध्ययन कर ये मेरी भावना हृदय में एक होता है ललिता से कि